क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम अंजनी है। अंजनी जी, कुछ देर पहले कांग्रेस जो है वो लीड कर रही थी हरियाणा में, और अभी थोड़ी देर पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर बीजेपी ने बढ़त पा ली। पहले कांग्रेस के मुख्यालय में यहाँ पे काफी ज्यादा आप जो है वो ढोल भी यहाँ पे बजा रहे थे और काफी ज्यादा खुश भी थे, अभी ये ढोल बंद क्यों हो गए? देखिए ना, जीत कांग्रेस की होनी है ये तो पक्का। और पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, देखो इलेक्शन कमीशन है ना, वो कांग्रेस का बीजेपी का एजेंट है, साफ पता चल रहा है। पिछले बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उसके बाद एडीआर की रिपोर्ट आई थी, बहुत सारे जर्नलिस्ट और पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल किया था और उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया है। तो इलेक्शन कमीशन का तो कुछ भरोसा नहीं है, ये किस तरफ मुड़ जाए। लेकिन ना, वहां की जो जनता ना हरियाणा की, वो सिर्फ कांग्रेस का समर्थन करती है, वो बदलाव चाहती है। तक आप लीड कर रहे थे तब आगे कहीं भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपने कुछ भी सवाल नहीं उठाया था, अभी अचानक से आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि एकदम से पलटी भी तुम्हारी, क्योंकि हमें पता है, हम ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया है। मैं तो हरियाणा की हूँ और मेरे पास तो प्रूफ है, मैं दिखा सकती हूँ कि लोगों ने कितने लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ना वोट दिया है। तो आपको लग रहा है कि कुछ बिल्कुल लग रहा है और जीतेगी कांग्रेस पार्टी, जीतेगी। आप पिछले सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोकसभा चुनाव के नतीजे क्यों नहीं देखते हो? 5 सीट कांग्रेस की थी और 5 सीट बीजेपी की थी। विधानसभा चुनाव में ना 2019 में किसको जरूरत पड़ गई थी? भाजपा को गठबंधन की जरूरत पड़ी थी, तब भी कांग्रेस का परचम था। तो अब की बार भी है ना, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और ये बाकी झूठे दावे हैं, इन पर यकीन मत कीजिए। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो सीएम का चेहरा कौन है? कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो हुड्डा जी लीड करेंगे, क्योंकि हुड्डा जी के नेतृत्व में जनता आगे बढ़ना चाहती है। हुड्डा जी ने पहले भी काम किया और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। शैलजा कुमारी जी ने साफ साफ कहा है कि उनका भी बनने का मन है और वो है। देखिए शैलजा जी है ना, वो पहले भी एक नेता है और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर काम करेंगी। हम ये नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो एकजुट है, एक साथ है और हम आगे ये मिलकर काम करेंगे।